हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सत श्री अकाल, केमोन आचो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जी हाँ, आपका अपना चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 3, और वीडियो नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटी, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 13 से इसकी स्टार्टिंग है। बट बिफोर दैट, क्या है अपना स्लोगन? स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर। सब मिलकर के साथ पढ़ेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ लिया था? पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था बिजनेस के बारे में, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर अपन ने पढ़ लिया बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद वाला टॉपिक, जो कि है बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखो, बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला होता है इंडस्ट्री और दूसरी होती है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच में बिजनेस एक्टिविटीज का बाइफर्केशन होता है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, इट इज नथिंग न्यू टू यू ऑल। इंडस्ट्री का मतलब होता है समथिंग विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि इंडस्ट्री क्या होती है? वो सारी एक्टिविटीज जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है, या रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करती है, वो इंडस्ट्री कहलाती है। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है मार्केट, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि एक इंडस्ट्री में बने हुए फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है, वो कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, तो अब हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन बिजनेस एक्टिविटीज का, इंडस्ट्रीज के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। सो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और हाँ, ये आप सबको पता है, इट्स नथिंग न्यू टू यू। इंडस्ट्री होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिवाइडेड। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं विच आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना? यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके या तो रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं वहां पर, या फिर ब्रीडिंग की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। राइट, अपन ने सोशल साइंस में भी पढ़ा है ये। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्री लार्जली क्या करती है? नेचर की हेल्प से या नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से रॉ मटेरियल क्रिएट करती है, और इसके अंदर एनिमल ब्रीडिंग एंड हस्बेंड्री को भी इंक्लूड किया गया है ना? देन सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्री में बन गया, उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, उसको तैयार किया जाता है किसमें? फाइनल प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन में। ठीक है, ताकि वो जो रॉ मटेरियल बनाए वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, है ना? और टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? इस फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कनेक्टेड एग्जाम्पल। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? एक फार्मर सॉइल को यूज करता है, सनलाइट को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, और वीट ग्रो करता है। ठीक है, फिर वो वीट जाता है इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। वहां पर उस वीट की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि उस वीट को पीसा जाता है जिससे उसका आटा मैदा बनता है, और फिर फाइनली उसको पैकेज किया जाता है। और टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है? उसी आटे और मैदा के पैकेट्स को ट्रक्स के थ्रू शॉप्स तक पहुंचाया जाता है, ताकि जो उसका एंड यूजर है, यानी कि अल्टीमेटली जो उसका कस्टमर है, उस तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके। ठीक है, तो यहां तक तो अपने सबको पता था, अपन सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या सर, ये तो हमें पहले से ही पता है, आप क्या बता रहे हो, है ना? तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इनके भी सब टाइप्स के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे इनके भी सब टाइप्स के बारे में, कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब वो प्राइमरी एक्टिविटीज हुई जहां पर रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया,
कि आप क्या करते हो, एक फार्मर क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है, जैसे कि वो सॉइल को यूज करता है, वो वाटर को यूज करता है, वो सनलाइट को यूज करता है ना, फोटो मतलब सनलाइट, ठीक है। वो जब इन तीनों को यूज करता है तो क्या बन जाता है, वीट बन जाता है ना। तो प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बेसिक रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल, वाटर या सनलाइट, ठीक है। एंड देन लार्जली प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट की चीजें बनाई जाती हैं, मतलब ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट की चीजें यूज की जाती हैं, जैसे सॉइल भी क्या है, नेचुरल है, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट से मिलता है, वाटर भी नेचुरल है और फोटो यानी सनलाइट भी नेचुरल है, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर के क्या बना, एक रॉ मटेरियल बन गया। तो प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हुई, दो हैशटैग्स जल्दी से टिप्स पे याद कर लो मेरे साथ, बोलो। बेसिक रॉ मटेरियल्स यहां पे बनाए जाते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल्स कैसे बनाए जाते हैं, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट जैसे सॉइल, वाटर और सनलाइट जैसी चीजों को यूज किया जाता है, वेरी सिंपल। हाँ, देन सेकेंड आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है ना। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, ब्रीडिंग की जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो एक अच्छा एग्जांपल क्या हो गया इसका जेनेटिक इंडस्ट्री का, डेयरी फार्मिंग, यानी कि गाय से दूध निकालना, उस दूध को प्रोसेस करके उसके बहुत सारे वेरिएंट्स बनाना, दही, छाछ, घी, व्हाटसोएवर, बटर, तो ये सब क्या हुआ, जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हुआ, ठीक है। शीप्स की ब्रीडिंग करना, रेयरिंग करना है ना, तो ये सब क्या हुआ, जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हुआ, ठीक है। यानी कि वुल जो बनता है वो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हुआ, और कॉटन जो बनता है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट हुआ, और दोनों के दोनों किसके पार्ट हुए, लार्जली प्राइमरी इंडस्ट्रीज के। आया समझ में? तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री में डिवाइड की गई है, बायफर्केट की गई है। एंड इसको समझने के लिए एग्जाम्पल याद रख लेना, कॉटन तो हुआ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का प्रोडक्ट। कैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि पहली चीज तो ये रॉ मटेरियल है शर्ट्स बनाने के लिए, इसके और भी यूजेस जो होते हैं मेडिकल यूजेस के लिए भी। लेकिन ये जो कॉटन है ये कैसे बनती है, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट को यूज करके बनाई जाती है, सॉइल, वाटर एंड सनलाइट को यूज करके बनाई जाती है, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या हुआ, वुल, वुलन क्लोथ्स या जो वुल बनाई जाती है, ठीक है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हुआ। कैसे, क्योंकि वो किससे रेयर की जाती है, शीप्स से रेयर किया जाता है, यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स का जब यूज करके, उनकी ब्रीडिंग करके या उनकी हस्बेंड्री करके जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हो गया, ठीक है। देन अपन पढ़ते हैं सेकेंड हमारी बिजनेस एक्टिविटी, और ये जो हमारी सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, लार्जली अपन ने समझ लिया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्राइमरी से लिए हुए रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती हैं, फिनिश प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री यहां तक तो आपको पता थी, आज हम पढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी टाइप्स। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उनको असेंबल करना है ना, उनको किसी तरीके से कंबाइन करना या सेपरेट करके क्या करना, एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेना, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसमें पहला क्या है, एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। ऐसे देखो, ऐसे पढ़ते जाना, कंफ्यूज नहीं होगे। एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सब पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसका सब पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का, ठीक है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं किसी एक एलिमेंट से। हैशटैग पे ध्यान देना, सेपरेट ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम वन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट को बायफर्केट किया जाता है, उसको बांटा जाता है और उससे अलग अलग एलिमेंट्स पैदा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना, मान लो क्रूड ऑयल है, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरीज क्या करती हैं, उस क्रूड ऑयल को जो कि एक नेचुरल एलिमेंट है उसको क्या करती है, उससे गैसोलीन बनाया जाता है,
ठीक है, उससे कैरोसिन बनाया जाता है, उससे पेट्रोल बनाया जाता है, उससे डीजल बनाया जा रहा है। यानी कि एक एलिमेंट को एनालाइज किया जा रहा है, उसको डिवाइड किया जा रहा है और उससे अलग अलग एलिमेंट्स बन रहे हैं जो कि अलग अलग यूजेस में काम आते हैं। सो एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हुई, ये वो इंडस्ट्री है जो सेपरेट करती है एक एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट्स, यानी कि यहां पे एक एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लर्निंग पर्पस से मेरे को इससे बहुत इजीली लर्न हो जाता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये क्या, ये कौन सी इंडस्ट्री हुई, यहां पर 1 = 1 + 2 + 3, इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल को ही बायोफिकेट किया जाता है गैसोलीन में, कैरोसीन में, पेट्रोल या डीजल में, आया समझ में। देन हमारे पास सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या क्लासिफिकेशन है, सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। कैसे पढ़ेंगे, सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री एकदम ऑपोजिट है एनालिटिकल इंडस्ट्री का। जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री में तो एक से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे थे ना, यहां पर बहुत सारों को मिलाकर के एक प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। हैशटैग पे ध्यान देना, कॉम्बिनेशन टू वन, जब बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो वो कहलाता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो प्लास्टिक, कंक्रीट और जिप्सम को जब हम मिलाते हैं और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तो बनती है सीमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, 1 + 2 + 3 = 1, यानी कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाया जा रहा है तो वन सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। प्लास्टिक, कंक्रीट, जिप्सम को मिलाकर के क्या बन रहा है, सीमेंट बन रही है। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल जो आप इसके माइंड में रख सक अपने माइंड में रख सकते हो इसके लिए, ऑल दो ये बहुत इनफॉर्मल है बट लर्निंग पर्पज से, कि जब घर में खीर बनती है तो खीर क्या है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसको कैसे बनाया जा रहा है, उसमें चावल मिल रहा है, उसमें दूध मिल रहा है, उसमें काजू पिस्ता बादाम मिलाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब मिलाकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो क्या है, खीर। तो कुछ इस तरीके से ही हमारी सिंथेटिकल इंडस्ट्री भी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री कौन सी आती है, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। दोबारा बोलो मेरे साथ, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेसिंग किसका सब पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसका सब पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स या सीक्वेंसेस, यानी कि जहां पर स्टेप बाय स्टेप आफ्टर 1, आफ्टर 2, आफ्टर 3 काम होता है। यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोसेस करती है, यानी कि यहां पर भी इंडस्ट्री है तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट ही बनता है यहां पर, लेकिन यहां पर कैसे बनता है, यहां पर स्टेप्स के थ्रू बनता है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन करते हैं यहां पर, एक केस स्टडी एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो शुगर केन से आपने सुना होगा, शुगर केन से क्या बनती है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या बनता है, शुगर बनता है ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है कि शुगर केन लाए और बोला आबरा का टाबरा, शुगर बन जा फाबड़ा और शुगर बन जाता है, ऐसा नहीं होता ना। तो शुगर केन से शुगर कैसे बनती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है। कैसे, सबसे पहले शुगर केन को प्लांट किया जाता है, यानी कि उन्हें उगाया जाता है, उसके बाद उनका हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब वो फसल उग जाती है उसे काट दिया जाता है। हार्वेस्ट के बाद उस शुगर केन को क्लीन किया जाता है वार्म वाटर के साथ। ठीक है, उसके बाद उसे मिल्स में ले जाया जाता है। मिल्स में ले जाने के बाद उसे क्या किया जाता है, एक क्रशर होता है ना, एक मशीन होती है, उसे क्रश किया जाता है उन शुगर को, और उस क्रशर से क्या निकलता है, जूस निकलता है ना। उस जूस को फिर वो लोग डिफ्यूज करते हैं बहुत सारे केमिकल्स के साथ जो कि ईटेबल केमिकल्स होते हैं। उसके बाद क्या बन जाती है, हमारी शुगर बन जाती है। ईटेबल केमिकल्स यानी कि एक एग्जांपल आप सल्फर ले सकते हो। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, ये वो टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जहां पर कोई रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनता है, रॉ मटेरियल से यानी शुगर केन से फिनिश प्रोडक्ट शुगर बन रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप
बनाया जाता है. ठीक है. देन लास्ट हमारी क्या है, असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री. मेरे साथ बोलो असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री. मेरे साथ क्यों बोलवा रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो. असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी हुई, नाम से कुछ पता चल रहा है ना, जहां पे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को असेंबल किया जाता हो. असेंबल का मतलब जोड़ करके कुछ नया बनाया जाता हो, है ना. तो असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जहां पर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को जोड़ करके एक नया कॉम्पोनेंट बनाया जाता है. ठीक है. अब आप बोलोगे कि सर फिर तो ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री तो हुई, यहां पर भी तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को जोड़ करके एक सिंगल कॉम्पोनेंट बनाया जा रहा है. हाँ, लेकिन फर्क क्या है असेंबलिंग और सिंथेटिकल इंडस्ट्री में. असेंबलिंग इंडस्ट्री में किस चीज की असेंबलिंग की जाती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग की जाती है. यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग हो तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री हुई, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग सिंथेटिकल इंडस्ट्री का पार्ट है. ठीक है. जैसे रेडियो बनाया जाता है, टीवी बनाया जाता है, मोबाइल बनाया जाता है, तो उसके लिए आपको चिप चाहिए होती है, प्लास्टिक चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होता है, मदरबोर्ड चाहिए होता है. तो इन सबको कंबाइन करके फाइनली एक प्रोडक्ट बनता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट क्या होता है, मोबाइल होता है. ठीक है, आ गया समझ में. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री अपने दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने आप में चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री. ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, वो सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कि घर में किसी का घर बन रहा है, ठीक है, कोई वॉल बन रही है, तो वो सारी की सारी क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है और कुछ भी नहीं है. ये तो बहुत 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 सिंपल है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट होता है. ठीक है. यानी कि कुछ कंस्ट्रक्ट करना, जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग या डैम्स हुए या फिर रोड्स बनाना हुआ, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट हुआ. देन आता है लास्ट हमारा इंडस्ट्री का टाइप, जो कि क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्री. टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल जब बना, वो प्रोसेस जब हुआ, और उसको फाइनली कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है. यहां पर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, बैंकिंग हो सकती है टर्शियरी इंडस्ट्री में, टर्शियरी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. ठीक है. यानी कि जब इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बन गया, सपोज करो शुगर बन गई शुगर केन से, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में आ रही है ना. टर्शियरी इंडस्ट्री में आपके कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी कि मोबाइल्स हो सकते हैं आपके, है ना, नेटवर्क्स हो सकते हैं. तो टर्शियरी इंडस्ट्री आपको पता है, आपने पढ़ा भी है. टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है जो कि फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की हेल्प करती है. कॉमर्स और टर्शियरी इंडस्ट्री ठीक है, काफी हद तक सेम है, लेकिन कॉमर्स की जब मैं बात करूं तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट है और टर्शियरी इंडस्ट्रीज का एक छोटा सा पार्ट है. डायग्राम याद रखना सर्कल, यानी कि कॉमर्स क्या है, बहुत बड़ा है, और टर्शियरीज का एक छोटा सा पार्ट आप मान सकते हो. ठीक है. अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, अपन पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में. पढ़ के समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो, शेयर करो, जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करो, ताकि जिसको भी इसको पढ़ने की जरूरत है ये उस तक पहुंच जाए. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी मेरे नोट्स हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप वीडियो देखो और टिप्स पे लर्न कर लो. ठीक है. मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में. टेक केयर. बाय बाय.